बनाते हो, गरीब को उपकार करता हूँ ना। नेता क्या नाम है आपका? सुधीर पासवान। सुधीर पासवान, ये पटना का कौन सा गाँव है? कौन सा जगह जगह बताइए। मेरे हाई स्कूल वाटरबोर्ड। वाटरबोर्ड यहाँ तो रागद का कार्यालय भी है बगल में, और बीजेपी का आर ब्लॉक के सामने है, हाईकोर्ट के बगल में है ना। अभी मैं हाईकोर्ट और आर ब्लॉक के सामने घूमने आया हूँ सुबह के मॉर्निंग वॉक में। दो विकलांग है, ये विकलांग पैर से नहीं चल सकता है, आपको दिखा रहे हैं, पैर दिखाइए कहाँ है विकलांग। हाथ ऐसे ऐसे कीजिए, तो इसको हिलाइए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। ये इसका हाथ भी नहीं है और ये विकलांग बिल्कुल है, और दिव्यांग बोला जाए इसको। और आप बोलिए क्या नाम है, क्या नाम है? गुंगी है, वो बोल नहीं पाती है, दम है एक्चुअली, वो बोल नहीं पाती है। और दोनों दिव्यांग है बेचारा, पूरी निर्दम है। बगल में राजद कार्यालय और बीजेपी कार्यालय है। मैं बता दूं बिहार के जनता को कि ऐसे ऐसे विकलांग और दिव्यांग को जो महामानव में आता है, इनका भलाई नहीं कर रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बिहार का, तो वो पूरे बिहार के क्या करेंगे? जब एक विकलांग से बड़ा गरीब तो दुनिया में कोई नहीं होता है, ना तो इसको हाथ है ना पैर है, और ये पूरी तरह से विकलांग है और बोलने में गूंगी है। और मैं अभी आया हूँ तो ये बेचारा रो रहा था, इसके पास घर नहीं है और यहाँ पर रह रहे हैं, छोटी सी झुग्गी में रह रहे हैं। मैं कुछ देरों में इसके घर भी जाऊँगा। और बाबा आप क्या करते हैं? ये चाय बेचते हैं और चाय बेच के गुजर बसर करते हैं। इसका देखने वाले गरीब का नहीं होता है, तो बिहार में गरीब को कौन देखेगा? जब बिहार की राजधानी पटना में इतनी व्यापक गरीबी है, तो पूरे बिहार के गांव में जो रहते हैं, जहां से इन लोग का वोट का दुकान चलता है, बताइए आप, वोट का जो दुकान चलता है, तो वहां आपका भलाई किसे करेगा? जब पटना राजधानी में गरीब है, तो बिहार के गाँव का आपका भलाई कैसे करेगा? तो आप लोग को बेवकूफ बना के ये लोग वोट लेने का एक दुकान खोल रखा है। आप लोग झूठे दुकान में इसका वोट देते रहेंगे और ठगते रहेंगे, इसीलिए सावधान हो जाएं इन नेताओं से। कि सामने गरीब आपका है, मैं प्रत्यक्ष में खड़ा हूँ। क्या बाबा मैं सही कह रहा हूँ? बताइए क्या कहना चाहते हैं सरकार को आप? चाहे गरीब विकलांग के देखने चाहो, गरीब के चाय से गुजारा ना जा रहा है, दो बच्ची अपना साथ है, कैसी रोड पर गुजारा कर रहा है। जी, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तेजस्वी जी, तो अतिशीघ्र इसकी कार्रवाई कीजिए और इसको फैसिलिटी दिव्यांग एक्ट में करिए, नहीं तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसका रिट फाइल कराऊंगा आपके खिलाफ। क्योंकि पटना में रह के आपको सुबह में भी टहलना चाहिए, आपके अधिकारी को टहलना चाहिए। मैं एक एक जगह घूम कर वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ, और जो बिहारी अच्छे पूरे बिहार के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखिए आप। जब राजधानी पटना में इतना गरीबी है, तो आपका क्या है सरकार काम करेगी? लेकिन आप इसी को वोट देते आ रहे हैं, नीतीश जी, कभी भाजपा को, कभी लालटेन को, कभी भाजपा को, कभी लालटेन को, कभी नीतीश जी को। हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो आप वोट ही नहीं करते हैं, आप बदलिए। जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक सरकार नहीं बदलेगी। इसलिए गरीब का जो बच्चा खड़ा होता है, उसे वोट देने का काम करिए, वही राष्ट्र की समृद्धि। कपूरी ठाकुर बिल्कुल गरीब थे, भोला पासवान शास्त्री बिल्कुल गरीब थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके पास एक टेंडेंसी था, एक फिलोसफी था, लेकिन इन लोग के पास फिलोसफी कितना दम है। और कोई दिक्कत है बोलिए आप, क्या काम तो नहीं करते होंगे आप? पूरा बेरोजगार है। चलते हैं अब इनके घर के तरफ। आपका घर कहाँ है बाबा? किधर? झोपड़ी। चलिए आप देख सकते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं, यही आपका घर है? और यही झुग्गी झोपड़ी में ये रहते हैं, जहाँ से खाना मांग के खाते हैं। चलो दिखाओ इधर, एक छोटा सा क्वार्टर है, इसी क्वार्टर में जीवन यापन करते हैं।
ये क्वार्टर में आ जाओ, ये क्वार्टर है छोटा सा और ये झुग्गी प्लास्टिक की बनी हुई है। बता दूं मैं तेजस्वी जी और नीतीश जी और भाजपा के सभी नेता, आप समझ सकते हैं कि कितनी शर्म की बात है। ये गरीब लोग जो विकलांग है इसका मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है। आप कहते हैं प्रधानमंत्री आवास, क्या जुमला दिखाते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आप लोग का दुकान तो बहुत बड़ा चल रहा है और बिहार के पूरे जनता आपको वोट देने की काम करती है। जरा समझिए कितनी गरीब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर नहीं है। आप कहते हैं कि बिहार की विकास, विकास पुरुष, क्या विकास पुरुष, जब पटना की राजधानी में इतना गरीबी है तो अन्य जगह क्या होगा आपका। थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को अगर अच्छा लाइक हो तो इसको शेयर कीजिए, सरकार के कान तक पहुंचाइए ताकि ये विकलांग को अधिकार मिल सके। देख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियोज, ये गरीब है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनका। आपका क्या नाम है? काला। हाँ आप वीडियो देख सकते हैं इसकी गरीबी को। और आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? और तो ध्यान नहीं ध्यान नहीं। थैंक यू सो मच।